नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उन्नाव की नगर पंचायत पूर्वा के वार्ड नंबर 5 स्थित चंदीगढ़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान द्वारा रोपाई गई धान की फसल को अधिशासी अधिकारी की अगुवाई में पुलिस और प्रशासन के दम पर डंपिंग सेंटर बनवाने के नाम पर जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर चलवाकर लहलाती हुई धान की संपूर्ण फसल को जुतवाकर शमशान करा दिया गया। बताते चले कि नगर पंचायत पूर्वा में शासन के निर्देशानुसार डंपिंग सेंटर बनाया जाना है, जिसमें पूर्वा कस्बे के संपूर्ण कूड़े कचरे आदि को डाला जाएगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वार्ड 5 स्थित चंदीगढ़ी में जीएस लैंड का चिन्हांकन किया गया था। प्रशासन की माने तो चयनित भूमि पर चंदीगढ़ी के कुछ लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसके चलते ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन खाली कराई गई है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित किसान का आरोप है कि नगर पंचायत पूर्वा और शासन प्रशासन की तानाशाही और खुली गुंडागर्दी के चलते बुलडोजर और ट्रैक्टर चलवाकर जबरन हमारी लहलहाती हुई धान की फसल को जुतवाकर नष्ट करा दिया गया है, जबकि हम लोग करीब 35 साल से लगातार इसी भूमि पर खेती बाड़ी करके जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा हम लोगों को टारगेट दिया गया है, क्योंकि जहां हमारी फसल है उसके आमने सामने कई बीघे जमीन खाली पड़ी है। यही कस्बे में दूसरी जगह मुर्दा घर और कूड़ा घर के नामी भूमि दर्ज है, फिर भी हमारी लहलहाती हुई फसलों को शमशान बना दिया गया है, जबकि हम लोग फसल पकने तक के लिए समय भी मांग रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसान द्वारा फसल की रोपाई कराई जा रही थी तो उस वक्त प्रशासन ने रोका क्यों नहीं था? साइड में तमाम खाली जमीन पड़ी होने के बावजूद भी किसान की फसल पर बुलडोजर क्यों चलवा दिया गया है? क्या नाम है आपका? मैं मिथिलेश कुमार, मोहल्ला चंदीगढ़ी से। अभी जल्दी में ही चंदीगढ़ी जो है नगर पंचायत पूर्वा में जुड़ा, विकास के लिए जुड़ा। अब विकास के नाम पे केवल चंदीगढ़ी में कूड़ा घर बनाया जा रहा है, बाकी कोई विकास नहीं हो रहा है। चंदीगढ़ी में पूरे पूर्वा का कूड़ा केवल जमा किया जाएगा। ना चंदीगढ़ी में कोई एक खड़ंजा लगा है, ना नाली बनी है। लोग आज भी कीचड़ से मधा के आ जा रहे हैं, इतना परेशान है। गरीब आदमी की जो है खड़ी फसल जोत दी गई है। ये चंदीगढ़ी का विकास है, ये शासन की गुंडाई है। किसके साथ दी गई है जोतने के लिए? ये किसके कहने पर जोती जा रही है? क्या गया सजा जा रहे हैं? ये नगर पंचायत जाने किसके कहने पर जोत रहा है, नगर पंचायत संघ। सर, यहाँ जो खड़ी फसल जुतवाई जा रही है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि देखिए, हमने बाउंड्री खिंचवा दी, ठीक है। बाउंड्री खिंचवाने के बाद जबरदस्ती इसको जो है यहाँ हरी वो फसल लगवा दी गई। कई बार उनसे कहा भी गया, ओरली भी कहा गया कि इसको आप हटवाइए यहाँ पे, और सरकारी जो सरकार के द्वारा वो दिए गए हैं यहाँ पे तमाम चीज़ें बननी है, मटेरियल सेंटर बनना है, मटेरियल रिकवरी सेंटर, उसके लिए कई बार बताया भी गया, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटवाया। और यही नहीं, बकरीद में जो मलबा जो यहाँ पे लगाया जाता है, इन लोगों ने अपनी राजनीति करके यहाँ पे वो कब्रिस्तान के लिए ऐसे वो खोद दिया और गड्ढा कर दिया कि हम किसी तरह से ज़मीन पर कब्जा कर सकें, और मलबा तक यहाँ पे नहीं वो डालने दिया जा रहा था। बवाल कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि ऐसा लग रहा था सरकारी जमीन जैसे इनके घर की जमीन। सर, जब इनकी फसल लगाई जा रही थी, धान रोपाई की जा रही थी, तब क्या इनको अवगत कराया गया था कि ऐसा ना करिए? हाँ, इनको अवगत कराया गया था, बराबर मना किया गया था। ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दिखाते हैं कि सरकारी जमीन पे क्या कब्जा कर लेंगे। इनके आरोप है कि ऐसा हमको कुछ बताया नहीं गया फसल। इनको जानकारी थी, इनसे मैंने पूछा था कि आपको ये जानकारी है कि सरकारी जमीन है? हाँ, कहीं हमको जानकारी है सरकारी जमीन है। तो हमने कहा जब तुमको जानकारी है सरकारी जमीन है।